हेलो एवरीवन आज हम एम्फीवियन ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं एम्फीविन ग्राफ की सीरीज़ एम्फीवी ग्राफ में सबसे पहले होता है सिंपल मसल ट्विच तो हम यहाँ पर सिंपल मसल ट्विच या इफेक्ट ऑफ सिंगल स्टिमुलस डिस्कस करेंगे एम्फीवियन ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले हमको ग्राफ यदि एग्जाम में है तो हमको उसका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन करेक्ट होना चाहिए तो हियर इट इज़ द ग्राफ ऑफ सिंपल मसल ट्विच फॉर रिकॉर्डिंग दिस सिंपल मसल ट्विच ग्राफ देर इज वन प्रिपरेशन दैट इज नर्व मसल प्रिपरेशन तो एम्फीवियन में हम फ्रॉग को चूज़ करते हैं फ्रॉग में हम शियाटिक नर्व एंड गेस्ट्रोकनीमियस मसल को चूज करते हैं फॉर द नर्व मसल प्रिपरेशन तो ये क्वेश्चन बाइबा में पूछा जाता है कि कौन सी मसल और कौन सी नर्व गेस्ट्रोक्नीमियस मसल एंड शियाटिक नर्व ऑफ फ्रॉग फिर ये ऑपरेटस है जिससे रिकॉर्डिंग होती है ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेंड है इस स्टैंड को इस नर्व और मसल से अटैच किया गया है नर्व इज श्याटिक नर्व देन मसल इज गेस्ट्रोक्नीमियस मसल जो कि मायोग्राफ बोर्ड में रखी जाती है और इसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल जो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं उससे अटैच किया जाता है देन नेक्स्ट जो इसका एंड है मसल का उसको हम अटैच करते हैं लीवर से और टाइम ट्रेसिंग होता है एक उससे अटैच करते हैं तो लीवर में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहाँ पर लीवर को लोड से अटैच किया जाता है देन ये जो लीवर है इसमें एक इंक मार्किंग होती है और ये ड्रम है दैट इज़ नोन एज शेरिंगटन स्टारलिंग रिवॉल्विंग ड्रम जो कि अटैच होता है अगेन टैपकी से टैपकी को हम प्रेस करते हैं तो ये मूवमेंट इसमें शुरू हो जाता है ड्रम रिवॉल्विंग होता है जैसे ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है नर्व मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है नर्व एक्शन पोटेंशियल और मसल में एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और इसको हम लीवर के थ्रू रिवॉल्विंग ड्रम में एक स्ट्रेसिंग बन जाती है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये यह रिकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है इसको हमको आइडेंटिफाई करना है एज अ सिंपल मसल ट्वेच तो एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज हमको सिंपल uh, मसल में कॉन्ट्रेक्शन पीरियड रिलैक्सेशन पीरियड को एंड लेटेंट पीरियड को रिकॉर्ड करना है एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सो अ पीरियड बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस टू द पॉइंट वेयर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट दैट इज नोन एज लेटेंट पीरियड देन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन होता है तो पीरियड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंट्रैक्शन टू द पीक ऑफ द कंट्रैक्शन इज नोन एज द कॉन्ट्रेक्शन पीरियड आफ्टर दैट रिलैक्सेशन पीरियड सो पीरियड बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पीक ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन टू द एंड ऑफ द द रिलैक्सेशन पीरियड यूजली लेटेंट पीरियड टेन मिली सेकेंड का होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन पीरियड ट्वेंटी टू फोर्टी मिली सेकेंड का होता है एंड रिलेक्सेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू फिफ्टी मिली सेकेंड्स का होता है तो जब भी हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं उसके साथ एक सिग्नल मार्कर अटैच होता है और सिग्नल मार्कर जो है एक हंड्रेड हर्ड्स की फ्रीकवेंसी से या हंड्रेड मिलीमीटर पर सेकेंड की रेंज से मूव करता है तो इसमें एक ट्राइम ट्रेसिंग होती है ये ड्रम की जो स्पीड होती है दैट इज़ सिक्स फोर्टी मिली सेकेंड मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करता है तो ये टाइम ट्रेसिंग की हेल्प से या ड्रम की स्पीड से हम इन लेटन पीरियड कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड के ड्यूरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो यूजुअली ये हंड्रेड हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी से टाइम uh, ट्रेसिंग होती है मतलब वन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का जो पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट जीरो को डिनोट करता है तो यहाँ लेटन पीरियड टेन मिली या पॉइंट जीरो है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कर्व है यहाँ पर हमको टू कार दिखाई दे रहे हैं इट मीनस ये ट्वेंटी मिली सेकेंड्स है देन वन टू थ्री इट मीनस ये थर्टी मिली सेकेंड्स है तो टाइम ट्रेसिंग से हम इन पीरियड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्रम से देन नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन इज वाई देयर इज लेटेंट पीरियड तो लेटेंट पीरियड क्यों होता है ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लेटेंट पीरियड जैसे ही हम स्टिमुलस देते हैं तो so यहाँ पर हम कौन सा स्टिमुलस दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान रखना है कि वॉट इज ट्विच और वॉट इज द सिंपल मसल ट्विच तो वेनएवर जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो मसल में एक मोमेंट्री uh, कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज ट्विच उस कॉन्ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग इज सिंपल मसल ट्विच और द इफेक्ट ऑफ द सिंगल स्टिमुलस जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो जो ये टाइम लगता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को नर्व के थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक पहुँचने में दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैटन पीरियड नंबर टू कुछ टाइम लगता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने में तो यहाँ पर टाइम टेकन फॉर द स्टिमुलस टू रीच टू द न्यूरोकुलर जंक्शन देन न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने में कुछ टाइम लगता है देन नर्व के सॉरी uh, मसल के स्टिमुलेट stim, uh, होने में या मसल में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होने में कुछ टाइम लगता है देन मसल का कुछ विस्कस vis, रेजिस्टेंस uh, होता है उसको ओवरकम करने में टाइम लगता है नंबर फोर एंड नंबर फाइव इज लीवर में कुछ लीवर में कुछ इनर्शिया होता है उसको ओवरकम करने में टाइम लगता है तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ टाइम कॉजेज लेटन पीरियड तो हम अगेन हम रिवाइज करते हैं लेटिन पीरियड इज़ ड्यू टू टाइम टेकन फ्रॉम द स्टिमुलस टू टू एक्साइड टू रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने में टाइम लगेगा देन नर्व मसल के विस्कस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में टाइम लगेगा एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग में टाइम लगेगा लीवर के इनर्शिया को ओवरकम करने में टाइम लगेगा सो दिस इज बिकॉज वेच लिटन पीरियड अकर्स देन ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि ये जो लीवर है उसमें हम ये लोड क्यों अप्लाई करते हैं तो लीवर में हम ये लोड इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि लीवर लीवर जो है उसमें कुछ जर्की मूवमेंट्स होते हैं तो जर्की मूवमेंट्स की वजह से जो ट्रेसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उस जर मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए या उसके एम्पलीट्यूड को चेक में रखने के लिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट या लोड जो है वो अप्लाई किया जाता है दूसरा लीवर को औरिजेंटल प्लेस करने के लिए भी लीवर में लोड अप्लाई किया जाता है देन लीवर का कुछ अमाउंट में इनर्शिया भी ओवरकम होता है बाय अप्लाइंग दिस लोड सो दिस इज द यूज ऑफ लोड एंड लीवर नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन इज कि लीवर में आइडियल लीवर क्या होता है तो आइडियल लीवर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई मोमेंटम ना हो वेट लेस लीवर हो जिसकी वजह से कोई उसमें जर्की की ना हो और होरिजेंटल रहे सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल लीवर फिर नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन इज अगेन ये जो रिवॉल्विंग ड्राम है इसमें हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो इनिशियल जो उसके रिवॉल्विंग या स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करता है रिवॉल्व करना तब हमको रिकॉर्डिंग नहीं लेनी होती है तो वाई इट इज़ सो क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो उसकी रिवॉल्विंग होती है उस टाइम पर उस ड्रम uh, जो है वो एक्सलरेशन स्टार्ट करता है तो यूनिफॉर्म उसकी स्पीड नहीं होती है तो आफ्टर सम रिवॉल्यूशन हमको स्टार्टिंग हमको ड्रेसिंग uh, स्टार्ट करनी होती है जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है और स्पीड कितनी होती है ड्रम uh, की दैट इज़ सिक्सटी सिक्स मिलीमीटर पर सेकेंड नेक्स्ट फाइवा क्वेश्चन इज यर यू कैन सी आफ्टर एंडिंग ऑफ द रिलैक्सेशन पीरियड कुछ ग्राफ आपको कुछ यहाँ पे ट्रेसिंग दिखाई दे रही है दिस वॉट इज दिस सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल कर्व तो बायो में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिकल कर्व क्यों होता है तो so, ये फिजियोलॉजिकल कर्व इसे मिस मिस नोमर भी हम कह सकते हैं क्योंकि फिज्योलॉजिकल कर्व फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं होता इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ़ लीवर तो ये हमें याद रखना है कि फिजोलॉजिकल कर्व इनर्शिया ऑफ लीवर की वजह से यहाँ पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन इंक्रीज द लेटेंट पीरियड एंड डिक्रीज द लेटेंट पीरियड तो लेटेंट पीरियड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लेटेंट पीरियड इंक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी कोल्ड सॉल्यूशन यदि हम कोल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं या कोल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं मसल में तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से लेटिन पीरियड इंक्रीज हो जाता है देन होता तो यहाँ पे वर्टिब्रल एंड होता मसल का और यहाँ पर उसका uh, एक्चुअल जो टेंडन वाला एरिया है मसल एंड है तो यदि नर्व वर्टिब्रल एंड पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है जैसा कि यहाँ पे किया गया है तो लेटिन पीरियड मोर होता है एज कम्पेयर टू द मसल एंड पर यदि स्टिमुलस अप्लाई किया तो लेट्रिन पीरियड इंक्रीज़ हो सकता है यदि स्टिमुलस को वर्टिब्रल एंड पर प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर कोल्ड सॉल्यूशन अप्लाई किया गया है मसल पर तो अगेन लेटिन पीरियड इंक्रीज हो जाए नंबर थ्री इज इंक्रीज लोड यदि लोड इंक्रीज कर देंगे तो लेटिन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा या इनर्शिया ऑफ लीवर इंक्रीज हो जाए तो लेटिन पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है इसका जस्ट अपोजिट यदि हम देखें तो लेटिन पीरियड डिक्रीज हो जाएगा अगेन यदि हम वर्टिब्रल एंड पर स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियड की भी शॉर्टनिंग हो जाती है वाइल लेटिन पीरियड इंक्रीज हो जाता है एंड यदि हम कोल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अप्लाई करेंगे तो अगेन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियड इन शॉर्ट हो जाएंगे सो दिस इज अबाउट दी इफेक्ट ऑन लेटिन पीरियड एंड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियड सो फैक्टर विच डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल और दी सो इट डिपेंड्स ऑन दी नंबर वन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्टिमुलस की उतना ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन uh, की हाइट होगी देन इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर यदि इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर ज्यादा है तो हाइट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगी तो नंबर वन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस नंबर टू इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर नंबर थ्री टेम्परेचर देन टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर इन द मसल देन टाइप ऑफ लोडिंग किस तरह का लोड प्रोवाइड किया गया है लोड का अमाउंट कितना है एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द लीवर यदि लीवर का मैग्निफिकेशन ये डिपेंड करता है कि वर्टिब्रल एंड और होरिजोनटल आर्म के बीच की लेंथ कितनी है इस पर डिपेंड करता है सो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट टाइप ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिकॉर्डेड हियर तो यहाँ पर हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन uh, जो आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि टोन या टेंशन जो है सेम होती है देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एंड लोड वाइवा में पूछा जाता है कि टेंशन और लोड में क्या डिफरेंस है सो टेंशन इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल ऑन ऑब्जेक्ट दैट इज टेंशन एंड द लोड इज इट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द मसल और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मसल टू ऑब्जेक्ट दैट इज लोड इन कॉन्ट्रेक्शन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होती है मसल कॉन्ट्रेक्शन की तो जब भी कोई मसल uh, में कॉन्ट्रेक्शन होता है और वो वेट को लिफ्ट करता है तो यदि मसल की टेंशन लोड के वेट वेट जो है ऑब्जेक्ट का उसके वेट से मसल में टेंशन यदि ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट होगा और मसल uh, तो एक्सटर्नल वर्क होगा तो जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है उसमें एक्सटर्नल वर्क होता है और मसल की टेंशन जो है वो लोड के अमाउंट से ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम उसको लिफ्ट कर पाते हैं एक्सटर्नल वर्क होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं सो वॉट इज द दीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी इज रेट ऑफ स्टिमुलेशन एट विच समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अकर्स तो टिटेनाइजिंग फ्रीक्वेंसी जो है टिटेनाइजिंग फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है तो so, uh, कई बार ग्राफ में ये क्वेश्चन होता है कि हमको ये ग्राफ दिया होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन पीरियड डिनोटेड होता है और हमको टिटनाइजिक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है तो दैट इज़ वन अपॉन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जिससे कि हम टिटेनाइजिंग फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं सी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोनिक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड आइसोमेट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आइसोटोनिक मसल मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन में जो कॉन्ट्रेक्शन है उस टाइम पर मसल की लेंथ शॉर्टन हो जाती है जबकि आइसोमेट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मसल की लेंथ कॉन्स्टेंट रहती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है आइसोटोनिक मसकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जैसा कि नेम सजेस्ट आइसोटोनिक टेंशन कॉन्स्टेंट होगी जबकि आइसोमेट्रिक में टेंशन चेंज होगी लेंथ कॉन्स्टेंट होगी फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइसोटोनिक मसकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एक्सटर्नल वर्क होता है मसल की जो टेंशन है वो कॉन्स्टेंट होगी लेकिन एक्सटर्नल वर्क होगा यहाँ पर और लॉन्टन पीरियड कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज हो जाएंगे जबकि आइसोमेट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है टेंशन चेंज होती है लेकिन लेटिन पीरियड कॉन्ट्रेक्शन पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड इंक्रीज हो जाते हैं नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी कोरिलेट सिंपल मसल ट्विच विथ एक्शन पोटेंशियल एट द सेम टाइम स्किल तो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ एक्शन पोटेंशियल का है और ये ग्राफ जो है वो सिंपल मसल ट्विच का है तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं नर्व में तो नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर आ... नर्व मस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है फिर मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो यहाँ पर हम दोनों ही एक्शन पोटेंशियल और सिंपल मसल ट्विच को एक साथ दिखाया गया है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके अप्रोक्सीमेटली टू मिली सेकेंड इस यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम स्केल बताया गया है मिली सेकेंड में और वाई एक्सिस पे मेमरिन पोटेंशियल को डिनोट किया गया है तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके अप्रोक्सीमेटली टू मिली सेकेंड के आफ्टर मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो ये टू मिली सेकेंड का डिफरेंस होता है एक्शन पोटेंशियल और मसल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में दिस इज द ग्राफ बिटवीन द एक्शन पोटेंशियल एंड सिंपल मसल ट्विच एट सेम टाइम स्किल सो दीज आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्वेश्चंस रिलेटेड विद सिंपल मसल ट्विच थैंक यू एंड कीप वॉचिंग